बढ़िया से बढ़िया से। क्या बात है भैया, नई बाइक निकालते ही यहाँ पे शूट चालू हो गया। पहले हमारी गर्लफ्रेंड होती थी, क्या कह रहे हो भाजी, खर्चा आ गया, हैंग हो गया ना उसका। अरे भाई साहब ऐसे मत करो हमारे साथ, बस देखो ऐसे है दोस्तों, मैं निकल रहा था एक बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए आज, बट इससे इम्पोर्टेंट काम क्या हो सकता है, ऑफिस की सेफ्टी, इसलिए हमने पाजी को बुलाया था। एग्जैक्टली ना इनसे मैं अपने सारे जो DVR सॉल्यूशंस है ना वो लेता हूँ और सेफ्टी सॉल्यूशन लेता हूँ। ऑफिस की जो मेन DVR है वो नहीं चल रहे, मतलब 4 कैमरा लगे हुए हैं और ऐसी ऐसी जगह लगे हैं कहीं जल्दी को सोच नहीं सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और भी कैमराज हैं मेरे पास जो स्मार्टफोन में कनेक्ट हो जाते हैं बहुत इजीली वाईफाई के थ्रू, तो भाई पंगा तो पहले कोई नहीं लेना। दूसरी चीज है, यहाँ पे खर्चा मेरा छोटा सा आ गया, छोटा नहीं, ठीक लगा लो। बट चलो एक बात है, इन्होंने अभी मेरे को रिमाइंड कराया कि मैं देखो कितने सालों से इनको कैलेंडर देता था और इस साल कैलेंडर नहीं पहुंचा टेबल पर। कंप्लेंट आई है भाई, कंप्लेंट आई है, मेरे को पता आप लोग भी कंप्लेंट करते हो। सो लेट मी प्रॉमिस हिम वन थिंग कि भाई अगर अगली बार कैलेंडर लॉन्च कराऊं तो डेफिनेटली यू गोना सी दिस पाजी इन द कैलेंडर लॉन्च, पक्की बात है। बिल्कुल। एंड एक चीज मेंशन कर देता हूं, जब मैंने इनको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि भाई मेरे घर पे ऑफिस में जहां जहां कैमरे लगे ना उनकी सर्विस भी करते हैं, इंस्टॉल भी करते हैं। एंड भाई ट्रस्टेड सॉल्यूशन अगर किसी को भी चाहिए, क्योंकि आए दिन प्रॉब्लम आता है, सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। सो क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो? सारा सिक्योरिटी से रिलेटेड, वीडियो डोर फोन्स, अटेंडेंस मशीन्स वगैरह, कैमरा। अच्छा, ये भी सब करते हैं, अटेंडेंस मशीन भी। देखो हमारा ऑफिस वगैरह छोटा है, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही लगाते थे मैनुअली, बट किसी को जरूरत हो तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आफ्टर सेल बहुत मैटर करता है। आप प्रोडक्ट ले लेते हो, लगवा लेते हो, बट अगर वो खराब होता है, आप फोन करते हो, दूसरा बंदा फोन पर नहीं आता, इन बिटवीन कुछ गलत हो जाता है, बिल्कुल एक्सीडेंट तो, या कभी आपको सर्वेलेंस कर रहे हो, कुछ कहीं पे डाउट आता है और आपसे खुद से लॉग इन नहीं हो रहा, आप लॉग फाइल नहीं देख पा रहे हो, रिकॉर्डिंग्स नहीं देख पा रहे हो, तो भी आपको सर्विस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए रिकमेंडेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन है, इनकी डिटेल आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। बट वैसे क्या मैंने आपको बताया था जरूरी काम क्या था, तो जो जरूरी काम है ना वो ये है कि थोड़े दिन पहले मैं गया था एक बाइक के शोरूम में बाइक बुक कराने के लिए, बट आज उस बाइक की डिलीवरी है, इसलिए आकाश भी यहाँ पर है और ऐसे ही बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी शोरूम पहुंच गए, इसलिए हमें जल्दी करनी होगी, निकलना पड़ेगा। तो कर लो, आप शर्ट तो चेंज कर लो। अरे हाँ, शर्ट चेंज कर लेते हैं, थोड़ा स्वैग मोड ऑन कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं आज क्या बाहर निकलेगा, वो या वो। क्योंकि यही बाइक हमारे साथ जा रही है नेपाल। ओ हो, मैंने रिवील कर दिया मेरा इंटरनेशनल ट्रिप। मैं दोस्तों इस बार कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, जेन्युइनली किसी ने सपने में, वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोची होगी वो होने वाला है, और वो भी हो रहा है भूसा के साथ और ये नई वाली बाइक के साथ में। तो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे एक्साइटेड, एंड बाय द वे जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मैं होऊंगा कोलकाता के अंदर में, तो अगर आप कोलकाता से हो जल्दी से इंस्टा पे फॉलो करो, आईडी स्क्रीन पे आ रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे एक सरप्राइज मीटअप रख सकता हूँ। क्योंकि देखो मैं शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहा हूँ कोलकाता, आपको पता है वहाँ पे ऑडिशंस होने कैस्ट्रॉल के, सो आई एम कमिंग देयर फॉर दैट। बट फिर भी मेरी कोशिश है अगर सैटरडे नाइट को एक मीटअप कर सके, छोटा सा, मतलब पब्लिक मीटअप नहीं, इसीलिए मैं यूट्यूब पे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक छोटा सा इंस्टाग्राम के थ्रू, इसीलिए आप लोग वहाँ फॉलो कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एंड ये गलत टाइम पे मेरा फोन बजते हुए, बाकी एक से भली दो भूसा, 200 200 200। तो आपने मतलब अभी प्रीवियसली भी देखा कि संडे को भी हम दोनों इकट्ठे राइड कर रहे थे, एंड हम फेमस हो रहे हैं दो ब्लू भूसा के नाम से, बता रहा हूँ, जल्दी दो ब्लू दिखती नहीं है, टू भूसा पे आएंगे, और दोनों हाइट हेल्थ में सही सही है, हट्टे कट्टे घर से खाते पीते करके, है ना, सही है भाई। देखो हेल्थ बहुत जरूरी है मैं समझता हूँ, बट जो लोग फिट है ना वो बाइक पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, नो मैटर आप क्या चला रहे हो, आप सिक्सा चला रहे हो या भूसा चला रहे हो, बट भूसा पे ना थोड़े खाते पीते वाले ही अच्छे लगते हैं। जस्ट जोकिंग, इसमें पतला बंदा अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है मांग के चला रहा है, बट जब हम खाते पीते बैठते हैं ना इस पे, ऐसे लगता है हमने भाई अपने दम पे खरीदी है ना। एनीवेज मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब ट्रैवल सीजन फिर से चालू हो जाएगा, जहाँ भी बर्फ़ थी वो पिघल जाएगी, जो बर्फ़ में हो सकता था -25 में वो हम कराए थे, अब बारी है कुछ नया करने की, एक्सट्रीम करने की, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अभी वीडियोस में आपको दोबारा बहुत सारा मज़ा आएगा, तो भाई डेली वीडियो देखा करो, कुछ भी मिस मत किया करो और इंस्टा पे फॉलो किया करो, क्योंकि यार देखो ना चाहते हुए भी मैं अभी वहाँ ज़्यादा एक्टिव हूँ, क्योंकि 8 साल हो गए मुझे इस YouTube बिजनेस में, है ना, 8 साल बहुत होते हैं, इतने में आप लोग भी बड़े हो गए, वीडियो देखते देखते हम भी बड़े हो गए, हमारी भी सिचुएशनें बदल गई हैं, और हम हैं घर घरेलू वाले बंदे,
तो हमें थोड़ा टाइम कम मिलता है। जैसे ये हमारा भाई आईटी से है, इसको भी टाइम कम मिलता है राइड का। सो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर प्रोफेशनल्स एंड वी आर मैनेजिंग एंड बैलेंसिंग लाइफ ऑल टुगेदर, एंड सो वी नीड योर अंडरस्टैंडिंग, वी नीड योर सपोर्ट। नाउ लेट्स डू रियल 200 200 200। मजे भाई, मजे ही मजे। आप इमेजिन करो खुले खुले हाईवे, नीलिमा ने नहीं देखे बहुत दिनों से, तो कितना ही मजा आएगा। मेरे को तो बहुत मजा आएगा अपनी नीलिमा के ऊपर रोड ट्रिप करने में। ओए लाला, मजे ही मजे, मजे ही मजे। हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम बढ़िया है, आप बताओ। लॉन्ग टाइम नो सी। अरे भाई, न्यू राइडर इन टाउन इन एक्सोर जैकेट, ब्यूटीफुल। सही है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। चल रही है, बहुत दिन के बाद चिल मोड में बैठे हैं हम लोग सारे भाई लोग। कोजी है बिल्कुल, अंदर बैठे हैं हम लोग, शोरूम के अंदर हैं। अच्छा खाने को मिल गया, ऑन डिमांड हमें चाय मिल रही है, कॉफी मिल रही है, गप्पे लग रही है। राइडर देखा तुमने, नया राइडर इन टाउन है, इसके एक बार जैकेट देखो जरा, स्मार्ट बॉय है। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो भाई आप जल्दी से दोबारा से कैमरा पे भी कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं भाई। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ग्रेट चॉइस एंड आई एम मोर देन हैप्पी दोस्तों, क्योंकि अब ये आपको अक्सर दिखेगा हमारे साथ, और स्पेशली लंबे ट्रिप पे दिखेगा ना। बिल्कुल, कर दे प्रॉमिस आज ही, पक्का प्रॉमिस। और एक चीज और, थैंक यू सो मच पाजी, मोस्ट वेलकम। आपने आगे ना मेरा दिन और मेरी डिलीवरी एक मेमोरेबल बना दी। अरे भाई ये प्यार है भाइयों का, सब है। धोखा दे दिया हमने, नहीं दिया स्पीति, इसने हमारे साथ चलना था बट सुबह ही इसने धोखा दे दिया। बट चलो हम ये बदला लेंगे, बट सम अदर डे, नॉट टुडे, बिकॉज आज बहुत स्पेशल डे है। बहुत यार मतलब चीज़ें ना इमोशनल होती हैं ऐसी चीज़ पे, कि बहुत आप रुक के एक बार दोबारा से बाइकिंग के अंदर आओ, ऐसा डिसीजन लो, और उसके बाद भी इतनी ब्यूटीफुल बाइक लो, एंड ये कलर जल्दी नहीं मिलता है। You got it. Yes. You should be happy. You should be. मेरे को कॉपी करा भाई, उन्होंने मेरे को कॉपी किया। मैंने पहले ब्लैक बोला था, फिर इनका मन पलट गया। अच्छी चॉइस है भाई। रेस नहीं देना। स्टार्ट होने के बाद तो दे सकते हैं ना। चलो चलो चलो, अब जाके क्या कराएंगे हम, पूजा कराएंगे। पहले तो नई चीज़ की पूजा होगी, देखो फर्स्ट थिंग ये है। तो हमारे सैम भाई ने बोल दिया है कि भाई पहले मंदिर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, चलेंगे हम तुम्हारे साथ, उसके बाद फिर कहीं जाके बैठेंगे, क्योंकि अभी हमें ना रोड ट्रिप की तैयारियाँ करनी है। क्योंकि रोड ट्रिप एक भूसा जा रही है, एक वो जा रही है, एक मेरी वो जा रही है हार्ले, और एक बाइक अभी और हो सकती है इंदर भाई की, वो वाली देख रहे हो 850, बट वो डिस्कशन होगा उसके बाद ही पता लगेगा। क्या बात है भैया, नई बाइक निकालते ही यहाँ पे शूट चालू हो गया। ओहो हो हो तो एक हेलमेट फ्री मिला था, वो हर्षित ने पहन लिया। देखो जरा, आरी के साथ में एक छोटा सा हेलमेट मिला है, मतलब मेरे हिसाब से तो आजकल हर बाइक के साथ में मिलता है, गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है। बट ना बहुत स्टेबल नहीं आएंगे शॉट्स, क्योंकि बिना गिम्बल यूज़ कर रहा है ये DSLR, और जो DSLR होते हैं ना उनकी स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं होती है। वैसे तो देखो स्टेबलाइजेशन लेंस के अंदर भी होती है, महंगे लेंसेज में, बट स्टिल जो DSLR कर सकता है ना वो अपनी जगह बहुत अच्छा होता है। बट जो फ़ोन यूज़ होता है ना, मतलब ऑन द रोलिंग शॉट्स बहुत अमेजिंग होता है। और भाई आईफोन और इंटरनेट, मतलब दुनिया को एक नई शेप दे दी है, अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया दुनिया को। सबको पता था एक डायरेक्शन में, एक ही एक्सेस के ऊपर में दुनिया घूम रही है इतने सालों से, बट अभी इंटरनेट ने भैया ये रील कंटेंट ने, शॉर्ट कंटेंट ने इतना एडिक्ट बना दिया लोगों को,
अलग ही तरफ को घूम रही है ये दुनिया और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमें पता सब है, हमें पता है कि यार दो दो घंटे स्क्रीन टाइम दे रहे हैं हम पर डे, दो घंटे से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम को, रील्स को, किसी काम का नहीं है जब तक एजुकेशनल ना हो, कुछ ना कुछ आप गेन ना करो उससे। जी वैगन भी इतनी दिखने लगे है ना, पहले देख के मुंह से वाव निकलता था, अभी ठीक है ठीक है ठीक है। और तेज, डर जाएगा भाई तू, नींद रात को नींद नहीं आएगी। His smile says it all, you know. लौंडे दोनों ही खुश हैं। वैसे भाई हम भी ऐसे ही गुजरे हैं, समझ रहे हो, यहाँ हम भी जॉब करने जाते थे इसी तरफ को। मेरे को अपने दिन याद आ रहे हैं, यहाँ पे जाता था पीछे में कालका जी की तरफ, नेहरू प्लेस के पास में जॉब करता था, और इस टाइम पे रोज छुट्टी होती थी, घर जाता था। आपकी जो भाभी जी हैं वो पहले हमारी गर्लफ्रेंड होती थी, उनसे मिलने का प्रोग्राम रहता था, ट्रैफिक होता था, बड़े बड़े सपने होते थे। जब मैं जॉब करता था ना तो सुजुकी होता था यहाँ पे, एक बिट्टू सुजुकी के नाम से, लाजपत नगर में, वहाँ पे कॉल करके ना ईएमआई के बारे में पता करता था, क्योंकि 25,000 कमाता था और देखता था कि भाई कितने रुपए मैं जोड़ पाऊँगा हर महीने और ईएमआई भर पाऊँगा अपने ड्रीम बाइक की, विच इज़ हायबूसा अगेन, बट नहीं हो पाया मेरे से। बट देखो, भगवान ने ऐसे टेबल टर्न किया कि आज कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लेट्स होप आगे भी नहीं रहे। कर दिया, हेलो कर दे, ये बढ़िया से बढ़िया से। लाइट आ रहा पीछे से ज्यादा है ना, मस्त है भाई। आप लोग भी ले लेना। ले लिया, नाम बताओ। चलो बढ़िया भाई, देखना प्यार करो। ओके भाई, मिल के हमें भी अच्छा लगा। सो ऐसे दोस्तों रेगुलर हमारे साथ ऐसे इंट्रैक्शंस होते रहते हैं जहाँ ट्रैफिक स्लो होता है, अच्छा लगता है। आप भी कभी हमें स्पॉट करो तो ज़रूर से हेलो बोलो, हमें बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज हम पहुँच चुके हैं ढाबे पे जिसका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। आ गया भाई कॉल, आ गया आ गया। क्या खाया था? मैंने गलत वाला टर्न ले लिया। मैं तेरे को पकड़ने आया, आगे मैंने तेरे को फिर राइट का इशारा किया और इंडिकेटर दिया, मैंने यू टर्न मार लिया, तू सीधा चला गया। कोई बात नहीं, चलो चलो हम पहुंच गए ढाबे, पहुंच गए सारे, आ जाओ आ जाओ। ओके तो भाई मैं ये बोल रहा था, देखो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, थोड़ी लाइट लग गई है, बोर्ड हो गया है, नाम चेंज हो गया, पहले था ये शेरे पंजाब, अभी हो गया एंजल। See you brother from another mother, Busa brother. So दोस्तों बढ़िया पार्टी हो गई, मंदिर भी गए थे, पूजा भी करवाई, और इसको क्या बोलते हैं, स्वास्तिक, तो ये भी बनाया पंडित जी ने, और झाड़ फूक भी करी, नज़र भी उतारी है ना। बेस्ट विशेज ब्रो, enjoy and we had great party, thank you भाजी, amazing food, मज़ा ही आ गया, और रौनक ही रौनक हैं, समझ रहे हो। ये एंजल से हमारा कुछ खास नाता है, आपको पता है ना। सो गुड प्लेस, अभी भी बस चाय पिए, अब निकल रहे हैं, मेरे हिसाब से 10:30 हो रहे हैं, 11 बजे तक मैं घर पहुंचूंगा। एंड अभी इसकी तो ड्यूटी बाकी है, घर जाके भी मुंह मीठा कराना है भाभी को, बेबी को, और उसके बाद एक राउंड भी होगा, है ना। चलो ठीक है, ऑल वर्थ, जल्दी मिल रहे हैं, हैप्पी वीकेंड। एंड दोस्तों मैं हूँ कोलकाता में, जल्दी फॉलो कर लेना, तुम लोगों को दिल्ली आके मिलूंगा, तब तक PPF करवा लेना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, न्यू बाइक है, बिना एक स्क्रैच लगे, ठीक है, सबसे पहला काम PPF। तू भी जा रहा है सुबह, मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जाओ, वीडियो क्लोज कर दो, मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन साइनिंग ऑफ, जय सिंह, बाय बाय, मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आप सभी का, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।